सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैं आज आप सभी के लिए यहाँ पे दिल्ली मेट्रो के तरफ से जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके आ चुका हूँ। भर्तियां निकल के आ चुकी है। काम यहाँ पे आपको सिर्फ 8 घंटे का करना होगा, 8 घंटे का ड्यूटी आवर रहेगा। महिला पुरुष सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है, सभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया सैलरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 2022 के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर मल्टीपल पोस्ट, यहाँ पे मल्टीपल पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है। टोटल पोस्ट 2570 यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अप्लाई मोड की बात कर ले तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है, 100% फ्री, कोई भी फीस पे नहीं करना है। गाइज यहाँ पे एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 45 वर्ष रखा गया है। कौन कौन आवेदन कर पाएंगे तो यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन अप्लाई इन DMRC। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। इंटरव्यू, हाँ गाइस यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो 100% फ्री, आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कोई भी फीस पे नहीं करना है। गाइस यहाँ पे जॉब पाने के लिए आप लोगों को कभी भी किसी को एक पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री और निःशुल्क में ही आवेदन करना होता है। और गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पे स्केल, तो पे स्केल विल बी अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया पे स्केल देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, BE, BTEC, जैसे कि यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MTEC, MBA, BSc, BCOM, हर किसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। गाइस हर किसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं dillimetrorail.com। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रमाण सहित देख सकते हैं, हम लोग आपको कभी भी झूठी जॉब्स नहीं दिखाते। यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गाइज यहाँ पे आप लोग प्रमाण सहित देख सकते हैं। सो गाइज अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पे नीचे चले आना है। नीचे चले जाने के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगी हर एक रिक्रूटमेंट, या क्या रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। आप लोग यहाँ पे जैसे देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे CVO की पोस्ट है, इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है। आप लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ट्रैक की पोस्ट है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सब यहाँ पे DMRC निकल के आ चुकी है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट वैकेंसी होने वाली है, डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों को हर एक रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी रिक्रूटमेंट है गाइस। मैं बस यहाँ पे डेमो के लिए किसी भी एक रिक्रूटमेंट में आप लोगों को आवेदन करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे हर एक रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऐसा डाउनलोड करना है। सो गाइस अभी देखिए, जैसे मुझे ये वाला रिक्रूटमेंट में आवेदन करना है तो मैं इसमें यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड के लिए बोलेगा या फिर डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस जैसे यहाँ पे डाउनलोड खत्म हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे हैं, ये वाला यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को चेक कर लेना होगा अपना आयु सीमा वगैरह, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 55 साल तक किया जा रहा है। देख ही पा रहे यहाँ पे हर एक चीज लिखा हुआ है कि कितना पे स्केल रहेगा, हर एक चीज यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग को जो एड्रेस देखने को मिल रही है अच्छी तरह से देखिएगा, इसी एड्रेस में आप लोग को अपना फॉर्म फिलअप करके सेंड करना है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही नीचे जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एक फॉर्म, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे पर्सनल डाटा लिखना होगा, अपना नाम, जेंडर, डिपार्टमेंट, हर एक चीज यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को लिखना है, यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स लिखना है, यहाँ पे हर एक डिटेल्स आप लोग को लिख के यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे प्लेस, डेट या पे सिग्नेचर दे के इसके बाद आप लोग को यहाँ पे सेंड कर देना होगा ये वाला एड्रेस पे। तो गाइस जैसे ही आप लोग ये वाला एड्रेस पे यहाँ पे सेंड कर देते हैं तो आप लोग को यहाँ पे सक्सेसफुली आवेदन हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे पोस्टल के द्वारा पोस्ट ऑफिस में जाके यहाँ पे जो इसमें सेंड करना होगा। आप लोग ये सब डिटेल्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि कैसे सेंड वगैरह करना है, आप लोग को यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो बिल्कुल जेन्युइन है आप लोग के सामने ही देख सकते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अगर फिर भी यहाँ पे आप लोग को आवेदन करने में कोई भी दिक्कत आ जाए, आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँच चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ प्यारा सा कमेंट भी आप लोग नीचे छोड़ सकते हैं हमारे। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।